बोजन गर्ल्स, आपका स्वागत है पोकन स्टोन ड्रैगन के सेकंड एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमें हमारा फर्स्ट पोकन मिला था, उसके बाद हमने पॉल से बैटल किया और उसके बाद जिम के अंदर गए और जो नॉर्मल दो बंदे थे जो कि जिम लीडर के असिस्टेंट थे उन्हें हरा दिया। अब हम बैटल करने वाले जिम से, जिम लीडर से जो कि एक फायर टाइप पोकन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेड सोल्डर तो जिम द मुस्तंग उमा होना रस्क्रबल्लू। तो क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, मैंने कहा था यार। तो ये इसके पास तीन पोकन है, पहला है सेंटर क्वेल, तो मेरा है फ्रोकी 11 vs 12। तो ठीक है, मैंने बबल कर दिया। ओ यार सुपर इफेक्टिव, बट इसके पास कोई अभी दमदार फायर टाइप मूव नहीं है। इसके पास वाटर गन होता तो अच्छा होता, लेकिन फ्रोकी के पास अभी वाटर गन अटैक नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। ओ उसने पोशन भी यूज़ कर दिया यार। अरे यार मतलब जो जिम लीडर को चैलेंज करने आता है उसको यूज़ करना चाहिए, और ये जिम लीडर ही पोशन यूज़ कर रहा है यार। अच्छी बात नहीं यार ये, उसने स्मोक स्क्रीन किया यार। मेरी एक्यूरेसी बहुत गंदी फेल हो चुकी है, मेरा अटैक कभी भी मिस्ड हो सकता है यार। और ये मैंने हरा दिया है सिंडा क्विल को। तो उसका सेकंड पोकन है चिमचार। वाओ इसके पास चिमचार भी है, तो मैं पाउंड कर देता हूँ पहले। ओ यार ये कुछ खास नहीं रहा, तो बबल कर देता हूँ अब। एंड ओके सुपर इफेक्टिव। ओके एक मिनट, अब मैं लीक करता हूँ, पहले भी हो। ओह मिस्ड हो गया यार, मुझे लगा था ये मिस्ड होगा। फिर से लीक। ओके पैरालाइज नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि वो पोशन यूज़ ना कर पाए। लेकिन उसने फिर भी पोशन यूज़ किया यार। यार ये तो इसे कैसे पता चल रहा है यार। ओ क्रिशियल हिट, तो क्विक अटैक है क्या इसके पास? तो क्विक अटैक कर देता हूँ, उससे पहले हो जाएगा। और ये चिमचार भी गया। उसका लास्ट पोकेमॉन है चार्मेंडर। वाओ यार कितने अच्छे अच्छे फायर टाइप पोकन यार, मुझे भी चाहिए था, लेकिन मुझे कोई भी फायर टाइप पोकन नहीं मिला। लेकिन मैं फिलहाल नहीं पकड़ूंगा, शायद से हो सकता है कि आगे जाकर मुझे चार्मेंडर चिमचार सिंडाकिल में से कोई अच्छा पोकन मिल जाए तो मैं उसे ले लूँगा। तो फिलहाल ये पैरालाइज्ड हो चुका है, इससे मेरे पास गाइस बहुत एडवांटेज आ चुका है। लेकिन ये अटैक मिस्ड हो रहा है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही गंदी तरह से फेल हो चुकी है। हट यार, हरा दे भाई यार जल्दी। तो सुपर इफेक्टिव रहा। एक और 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 फिर से मिस्ड यार। उसने मेटल क्लॉ कर दिया यार। ओ यार क्या कर रहा है यार फ्रोकी, प्लीज़ फिर से मिस्ड। नो वो, लेकिन वो भी पैरालाइज्ड हो चुका है। हाँ लेकिन दो अटैक मिस्ड होने के बाद तीसरा अटैक परफेक्ट पड़ा उसको, और ये हम जीत गए हमारा फर्स्ट बैच। तो फ्रोकी लेवल 13 में जा चुका है, तो हमने फ्रेड को हरा दिया। फोई उम ग्रांडे लूटा एश, एश गॉट 1300 रुपीज़। कोलो लाइट द जिम तो ते अंतर्गत तो एस आई स्टेन तो कोमा प्रोवा दे सुवा विक्टोरिया प्रोबालेस यू का दे अपॉर्चुनिटी टू बेलहार कॉम वोसे। तो हमें बैच मिल चुका है, बैच का नाम भी गाइस किसी और लैंग्वेज में है, देखते यार। एक मिनट छोड़ दे भाई, बैच मिला या नहीं। तो हमें हमारा बैच मिल चुका है जो कि रंगी बिरंगी बैच है वो, ठीक है। अब क्या देखना था मुझे, हाँ कुछ तो टीएम भी दिया है उसने, वो भी देख लेता हूँ क्या है। वो तो टीएम केस में हमें मिल चुका है, फ्लेम थ्रोवर दिया है हमने, क्योंकि एक फायर टाइप जिम लीडर था, ऑब्वियसली फायर टाइप मूवी मिलनी थी। सबसे पहले हम हील करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे। ओके तो नर्चो जल्दी से हील कर दो प्लीज़। तो हो गई, तो अब जाते हैं यार मुस्टंग सिटी से आगे। ये नाम कैसा है यार, तब हमें तो कैसे पुलिस ऑफिसर गायब हो चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ एक बंदी है। होला ट्रेन दो वसमा बैतलार। तो क्या अगर अपने पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम गेम खेला होगा तो उसमें ये हमारी राइवल थी, मुझे याद है यार। तो इसके पास है सिंडाक्विल जो कि काफ़ी कमज़ोर है यार, तो मैं इसे आराम से हरा दूंगा क्योंकि वो लेवल 5 का मैं लेवल 13 का हूँ। तो ओके और पीछू है आई थिंक, तो यही चूज़ करता हूँ यार। मुझे पता है तुम मुझे निराश नहीं करोगे फ्रोकी, तो उसे हरा दो ना प्लीज़। वो चाम कर दिया उसने, जिसका कोई भी इफेक्ट हम पे नहीं होगा शायद से। हाँ तो हमने पीछे को भी हरा दिया है। तो के गर्ल बेच और कुछ ना को, तो यहाँ पे बस इतना ही था, उसने कुछ बात नहीं किया हमसे। तो क्या यहाँ पे हमें लगा हेलीऑप्टाइल, जो कि फिलहाल गई इन सबको मैं बाद में पकड़ लूँगा यार, क्योंकि मैं हर गेम का पॉकेट एक्स फिलअप करता हूँ। तो फिर से हेलीऑप्टाइल, सॉरी यार सॉरी, बट आई वॉन्ट फायर टाइप पोकेमॉन। ओ ऑसम फायर टाइप, अरे यार फिर से हेलीऑप्टाइल, तुम मुझे पीछे पड़ी हो क्या हेलीऑप्टाइल, आई डोंट वॉन्ट प्लीज़ गो। तो हमें मिल चुका है रिवाइव जो कि ठीक है, अच्छा आइटम है। तो उसके बाद ओके पीछू यार, फिलहाल सॉरी पीछू में तुम्हें भी नहीं पकड़ सकता यार। ओ गाइस इलेकिड इलेकिड इलेकिड, वाह 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 वाह। तो इसे हम पकड़ने वाले हैं, बबल कर देता हूँ, ज़्यादा इफेक्ट ना करे बस यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं लीक कर दूंगा तो पैरालाइज हो गया क्या, इलेक्ट्रिक टाइप पोकन पैरालाइज होते ही क्या? शायद से होते होंगे यार, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जा दे दो पोकेबॉल फेंक देता हूँ सीधा। तो 4 पोकेबॉल्स हैं हमारे पास, सिर्फ 4 है। तो 1 तो पहली पोकेबॉल निकल जा चुकी है। तो गाइस मैं पोकन चेंज करता हूँ क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ब्लिट्जर को मैं भेज देता हूँ जो कि उसके लेवल का है यार, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है यार, मैं क्विक अटैक नहीं कर सकता, तो मैं उसके डिफेंस सिंपल से लो कर देता हूँ सीधा।
ठीक है, आप पोकेबॉल फेंक के देखते हैं। आ जा इलेक्ट्रिक आ जा प्लीज, 1 2 3 ओ बूम, तोड़ दी यार। हच, एक और लास्ट पोकेबॉल, उसके बाद में एक पोकेबॉल गाइस, मतलब बाद में यूज करूँगा। ठीक है, तूने हराया हमको, ठीक है, अच्छी बात है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे यार, मैं ग्राउलाइट के मुंह देख लेता हूँ कौन सी है। तो इसके पास है रोर बाय टेम्बर, जो कि किसी काम की नहीं है, तो ऑब्वियसली फ्रोकी को ही जाना पड़ेगा। तो मैं लीक करके देखता हूँ क्या होता है यार, लीक से देखते हैं। ओ यार लीक से भी मर गया। हाँ तो गाइस मैं हील करके वापस आता हूँ। तो गाइस मैं हील करके वापस आ गया और मैंने इधर दो पोकन पकड़े हैं, जो कि इलेक्ट्रिक और हेलियोप्टाइल। लेकिन इसके लिए मुझे 10 पोकेबॉल लगा है, इलेक्ट्रिक ने मेरे 10 पोकेबॉल वेस्ट कर दिए। लेकिन बाद में इससे मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ लिया। तो चलिए अब आगे जाते हैं। और मैंने एक मतलब गाइस पहला जो एरिया था उसमें सारे के सारे फायर टाइप पोकेमॉन थे, और इस एरिया में सारे के सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, जिसके हेलियोप्टाइल, मरीप, पीचू एंड इलेक्ट्रिक। तो गाइस ये बंदा देख सकते हैं, शायद ये मुझे, यार मुझे लगा चैलेंज करेगा, इसने तो नहीं किया। ठीक है अब आगे जाते हैं यार। और मैंने हेलियोप्टाइल भी पकड़ लिया लगे हाथ, मुझे लगा था मैंने अटैक कर दिया और रेड पे एचपी बची उसकी, तो मैंने पकल फेंक दी। ओ एक मिनट यार, व्हाट द हेक, इस बंदे को मैंने अभी भी पीछे देखा, फिर से यहाँ पे आ गया यार ये वाला बंदा, ये क्या कर रहा मुझे फिर। ओ तो इसने अब बैटल की पीछे, अब देख सकते गोल्ड जैसा लग रहा है मुझे, कपड़े सेम टू सेम वैसे ही है लेकिन सिर्फ कलर अलग है। तो इसके पास है फर्स्ट लेवल 6 का मैग भी, देखते हैं। ओ यार बच गया, कैसे बच गया यार, मैं अब क्विक अटैक कर दूंगा यार, यार पाउंड हो गया गलती से। तो कोई बात नहीं, इसे तो वैसे भी मैं हरा ही दूंगा। ये उसका सेकेंड इलेक्ट्रिक है तो मैं इससे ही यूज़ करूँगा यार, मुझे पता है मतलब अच्छी चॉइस नहीं है, लेकिन कोई और भी तो इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो ये सबसे ज़्यादा लेवल का तो मैंने इससे यूज़ कर दिया। इलेक्ट्रिक को हरा दिया मैंने, अब मेरा फ्रोकी लेवल 14 में चला गया। ओके तो इसके पास वाटर पल्स मूव है यार, शायद जिम के वक्त आती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वैसे मैं क्विक अटैक, पाउंड, बबल एंड लिक, तो मैं पाउंड नहीं, क्विक अटैक, बाय बाय क्विक अटैक, मैं क्विक अटैक को फॉरगेट कर दूंगा। तो अब इसके पास दो अच्छी वाटर टाइप मूव्स हो चुके हैं, तो नेक्स्ट भी है इसका चिमचा, तो इसे भी मैं आराम से हरा दूंगा। तो अब मेरे पास है वाटर पल्स, तो अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा फायर टाइप पोकेमॉन्स को बेसिकली, तो मैंने इसे भी हरा दिया है। तो आप क्या कहेगा ये पर दी वो और कुछ वैसे दो त्रेंद्र पोमेस, तो और कुछ नहीं कहा उसने, तो यहाँ फिर से किले की लगा, लेकिन अब तेरी ज़रूरत नहीं, अब तेरी ज़रूरत पूरी हो गई, तो निकल चल। तो यहाँ पर फिर से वही लड़की, ऐसा पैसे में तुल लबा प्यारा उम पैंतोनो उमा ओटीमा डेटो कैप्चर अ पोकेमॉन वेटो वेसिनो एस कॉम सुवा लिंके सा पोसार। तो मुझे पता नहीं इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में बात की, लेकिन ठीक है। इसके पास है हेलियोप्टाइल, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, तो मैं इस पर वाटर पल्स कर दूंगा। ओके तो ये गया, फर्स्ट गया, उसका सेकंड पोकॉन कौन सा देखते हैं। तो उसका सेकंड पोकॉन भी मरे पे, तो मैं इलेक्ट्रिक को चुनूंगा, क्योंकि मैं ये दो पोकॉन को फिक्स मेरे टीम में रखने वाला हूँ, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा है वो, इसे बाद में मैं करने वाला हूँ। ओ क्या नाम है उस पोकॉन का, इलेक्ट्रावायर। अब पहले इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन कभी पैरालाइज्ड होता है क्या, जब मैं इसे करना चाहता था तब तो नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है यार। ओ और वो भी पैरालाइज्ड हो गया, तो दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन पैरालाइज्ड हो गए एक दूसरे को टच करने की वजह से। वाव ओ ये क्या सीन है, मेरा अटैक मिस हो गया लेकिन उसका तो परफेक्ट पड़ रहा है यार, व्हाट द हेक मैन। तो हो गया काम, तो हमें लुइसा को भी हरा दिया है। तो अब वरा कंपूरी मीनहा पलवा पौधे पसर ऐश, तो ये भी चली गई, चिली अब आगे जाते हैं। हम 55 यानी कि शायद ये बेसिकली ये मतलब वेरिडियन फॉरेस्ट जैसा कोई मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, यार मुझे याद नहीं आ रहा इसे क्या बोलते हैं। हाँ बेसिकली एक फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ से शायद से मुझे सारे बक और पॉइजन टाइप ही पोकेमॉन देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पीछे एक पोकेबॉल दिखी मुझे, जिसके अंदर हमें मोमो मिल्क मिल चुका है, मोमो मिल्क। तो ओके गाइस ये काफ़ी बड़ी जगह है यार, यहाँ पे पोकेमॉन्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो मुझे व्रम्पल लग चुका है, तो ठीक है यार गाइस फिलहाल मैं यहीं पे सेव करूंगा, अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे इस फॉरेस्ट को। तो फिलहाल यहीं पे सेव कर लेते हैं, मेरे पास 5 पोकन और 1 जिम बैच है। अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।